हाथरस कांड को लेकर युवा कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला और कहा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। मैहर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेंद्र शर्मा और युवा कांग्रेस के सतना जिला अध्यक्ष सौरभ शर्मा के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। मार्च नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए घंटाघर पहुंचा। चौक पर हाथरस की घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अर्थी निकालकर विरोध दर्ज कराया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों को बचाने के लिए तानाशाह की तरह काम कर रही है। दिल में आक्रोश है आज हमारे देश की युवा के साथ इस तरह की। मैं मानता हूँ पहली प्राथमिकता रही है अपराधी, अभी ये बाज आ जाए अगर से एक साथ घाट करके ये सिद्धार्थ की जो सीख रहे हैं अभी समय है सुधर जाए। जनता जान चुकी है उपचुनाव 20 दिन बाद है, सबक सिखाएगी। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने-बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।